अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से मुझे आज मेरी गूगल एडसेंस पिन मिल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आगे करते रहें इसी तरह सपोर्ट। इंशाल्लाह हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो भी करेगा और कर भी रहा है, तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह मेरा साथ देते रहें। और आज मैं आप सबसे बहुत ही ज़्यादा बातें करूँगी अपनी जर्नी से रिलेटेड, कि कब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, कैसे मेरे माइंड के अंदर ख्याल आया यूट्यूब स्टार्ट करने का, सब मैं आपको बताऊँगी। मुझे YouTube पे 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं, और जब मैंने अपना फ़र्स्ट टाइम YouTube चैनल अपना YouTube खोला और उसके अंदर अपना चैनल खोला जाके, तो उसके अंदर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई हुई थी 4 साल पहले से। अब वो वीडियो थी खाली एक खाने के डिश की, पता नहीं वो कैसे अपलोड होगी। तो उसी से मेरे जहन के अंदर आया कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूं, और इंशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे, और माशाल्लाह से मेरे पहले शॉर्ट के अंदर ही बहुत अच्छे व्यूज़ आए, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली अपनी नेक्स्ट पूरा चैनल बनाने की। और इसी तरह मेरा और आप सबका साथ चलता रहा, और आज मुझे मेरी गूगल एडसेंस बिल मिल गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मैं आप सबको बता नहीं सकती। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो बाया लाइफस्टाइल है उसके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जो लोग अभी तक बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे मेरा हर आने वाला व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा और आप उसे देख सकेंगे, वरना इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपसे मिस होते रहेंगे। इस क्यूट से व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी ऐसा क्यूट सा व्लॉग देख सकें, और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आज के मुझे ये गूगल एडसेंस पिन मिल गई। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था 2 वीक्स पहले, और मुझे जैसे ही मेरी गूगल एडसेंस पिन बाहर आई, और पहले तो मैंने सोचा मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है, मैंने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की, तो ये किस चीज़ का आया। तो उन्होंने जब मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये गूगल एडसेंस पिन है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था मैंने गलत अप्लाई किया है इसलिए मेरा नहीं आ रहा। लेकिन ठीक 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते अभी रहते थे, अभी 1 हफ़्ते से ऊपर 2 दिन हुए, यानी कि अभी 9 दिन हुए थे कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया मेरे पास। और ये सब कुछ आप सब की वजह से हुआ। नीचे लाइक दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हम सबका प्यार इसी तरह मुझे प्यार दिखाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और यूं ही अपना आप सब सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, इससे भी बेहतर, जिससे आपको व्लॉग देखने में मज़ा आए, और आप बिना स्किप किए मेरा व्लॉग देखें, हर व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही मज़े का आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई अपनी गूगल एडसेंस पिन देख के, और जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मेरे थंबनेल्स वगैरह तो शुरू से ही अच्छे थे, बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए न्यू थी यूट्यूब पे, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, और बीच में एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल बंद कर देती हूँ, किससे मुझे क्या ही मिलेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपना चैनल अपनी यूट्यूब फैमिली के ज़रिए ग्रो करे, हमारा चैनल सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल चल रहा है, और जो मेरी खुद की मेहनत है उसकी वजह से आज मुझे मेरी गूगल एडसेंस पिन मिल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह हमारा चैनल। और इसी खुशी में मैं गई थी स्वीट्स की जगह, जहाँ पे ढाका स्वीट्स पे, ईमान ढाका स्वीट, जिनकी मिठाइयों की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, बहुत ज़्यादा, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम नहीं है ढाका स्वीट्स पे, मैं पहले भी ढाका स्वीट्स जा चुकी हूँ, और इधर इनकी मिठाई टेस्ट भी मैं करना चाहती थी दोबारा से, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने इनका सब कुछ नहीं, सिर्फ गुलाब जामुन लिए थे जो कि अच्छे थे, लेकिन कोई ऐसा ख़ास टेस्ट नहीं था, जिस तरह नॉर्मल हर बेकरी के होते हैं उसी तरह थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने इनकी मिक्स मिठाई ली पूरी जितनी थी,
और मुझे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा भी लगा। मतलब कि इनका टेस्ट इतना भी कोई अच्छा नहीं है कि आप कोई अलग से जाके सिर्फ इनकी मिठाई के लिए जाएं, लेकिन आपको इनकी सिर्फ गुलाब जामुन टेस्ट करने चाहिए, वो इनके मज़े के हैं। बाकी जो इनकी बर्फ़ी और ये बाकी सारी मिठाइयाँ, ये सारी एवरेज टेस्ट मुझे लगा इनका। और इसी खुशी के अंदर मैंने रात को पिज़्ज़ा पार्टी की आप सबकी वजह से, और ये सब कुछ मैंने अपने पेट के अंदर ठूसा और बहुत ही मज़ा आया मुझे। बहुत ही खुशी मिली कि आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, कि मुझे मेरी गूगल एडसेंस पिन भी मिल गई आप लोगों की वजह से। और इंशाल्लाह जल्दी हम आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।